वेलकम टू यूनिक इंडियन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा लड्डू। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। चिरोटी रवा, किशमिश, दूध, कटे हुए बादाम, घी, कटे हुए काजू, शुगर। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें घी डाल लेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें काजू और बादाम ऐड कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें किशमिश ऐड कर लेंगे और उसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसी में सूजी या चिरोटी रवा ऐड कर लेंगे और उसे भी अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें इलायची ऐड कर लेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से 3 या 4 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें शुगर नहीं घुलेगी, सिर्फ 2 या 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे गैस बंद करके नीचे उतार लेंगे। अब हम दूध लेंगे। दूध को पहले ही हमने गर्म कर चुके हैं। इसे लड्डू बनाने के लिए थोड़ा दूध गुनगुना होना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए लड्डू बनाते जाएंगे। अब हमारे लड्डू बन चुके हैं। अब हम इसे चरी से गार्निश कर लेंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।